Good morning, students. This is your third part of chapter first. In our last video, we have solved question number first to fourth. Now we will start from fifth question. Let's see. Question number fifth. Find the difference between the place values of the two nines in this number. ये आपको number दे रखा है. इसमें क्या रखा है कि दो जो है वो nines दे रखे हैं और इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको निकालना है. तो प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने से पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो देखिए, पहले नंबर नोट कर लेते हैं. अब क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ नाइन की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ नाइन की निकालेंगे. तो हमारा जो नाइन है वो किस प्लेस पर है? हंड्रेड प्लेस पर है. तो हम इसका मल्टीप्लाई हंड्रेड से कर देंगे. ये हमारा नाइन हंड्रेड हो जाएगा. दूसरा नाइन हमारा टेन लैख पे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाइन का मल्टीप्लाई टेन लैख से करेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा नाइन्टी लैख. अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंस. क्वेश्चन में हमें इसका डिफरेंस निकालने के लिए बोला गया, तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे. डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करना. ये देखिए, नाइन लैख में से आपको नाइन हंड्रेड सब्ट्रैक्ट करना है. ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा. मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ. जो आंसर है वो ये है. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट. मींस हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसका. पहला नंबर हमारा ये है और दूसरा नंबर जो इसको रिवर्स करके आता है. रिवर्स मीन्स इसको उल्टा करके आता है. तो हमें जो रिवर्सिंग नंबर निकालना है पहले वो निकाल लेते हैं. रिवर्स करके जो नंबर आ रहा है हमारा वो है हमारा, ये देखेंगे 738. तो ये हो जाएगा 837. और जो इसका ओरिजिनल नंबर है उस वो नंबर है हमारा 738. अब क्योंकि हमें इनका डिफरेंस निकालना है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 837 में से 738 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. का आंसर 99 है. इसके अलावा देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, मोरली समझ लेते हैं. जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर दिस नंबर. इस नंबर के तुरंत बाद कौन सा नंबर आता है. तो हमें पता है अगर हमें जस्ट आफ्टर नंबर पता करना हो तो हम उसमें प्लस वन कर लेते हैं. तो यहाँ आप प्लस वन करके पता कर सकते हैं. अगर जस्ट बिफोर कह रखा हो तो यहाँ से हम माइनस वन करके पता कर सकते हैं. तो ये आप खुद कर सकते हैं. इसमें भी आपको बिफोर नंबर बोल रखा है तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. ये कह रहा है राइट ऑल थ्री डिजिट नंबर यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस. मीन्स आपको तीन डिजिट के सभी नंबर बनाने हैं जो ये तीन डिजिट यूज़ करके बन सकते हैं और हर एक को आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है. तो देखिए क्या नंबर हम बना सकते हैं. हमें जो डिजिट दे रखी हैं वो दे रखी हैं 2, 3 एंड 4. तो सबसे पहले हम जो बनाएंगे 2, 3, 4. नेक्स्ट टाइम में हम क्या कर देते हैं, इसे रिवर्स कर देते हैं 4, 3, 2. इसके अगले टाइम में हम क्या कर देते हैं, 3 को फ्रंट पे ले लेते हैं 3, 4, 2. इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं 2, 4, 3. के बाद 3, 2, 4 और 4, 2, 3. तो हम देखेंगे कोई भी नंबर हमारा क्लैश नहीं हो रहा है, सभी अलग अलग नंबर आए हुए हैं. ये हमारे टोटल 6 नंबर हैं जो हमारे 2, 3, 4 से फॉर्म हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7. ये हमें डिजिट्स दे रखी है, इनको यूज़ करके हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो भी हमें डिजिट्स दे रखी हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए हमें 0, 1, 3, 5, 7 इस तरह से रखना पड़ेगा. लेकिन ये भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम इसमें ज़ीरो को काउंट करें तो ये हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट रह जाती है, जबकि हमें 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए बोला गया है. तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें जो नंबर दे रखे हैं, जो डिजिट्स दे रखी हैं, उसमें अगर ज़ीरो भी दे रखा है तो हम ज़ीरो को हमेशा सेकेंड नंबर पर रखते हैं और सेकेंड वाले नंबर को हमेशा फर्स्ट नंबर पर रखते हैं. इस तरह से ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो जाता है जो भी डिजिट्स हमें दे रखी हों उसका.
17 क्वेश्चन कह रहा है राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स. यहाँ पे भी आपको डिजिट्स दे रखी हैं. अगर आपको लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना शुरू करना पड़ता है. डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे 9, 6, 4, 3, 2, 0. ये हमारा लार्जेस्ट नंबर है. जितनी भी हमें डिजिट्स दे रखी थी उनका ये लार्जेस्ट नंबर है. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर. क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ये कह रहा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स विथ प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. तो हमें यहाँ पे जो डिजिट्स दे रखी है, जो नंबर दे रखा है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूमेरल भी लिखना है इसका, और साथ में इसको कॉमा भी लगाना है. तो हमें पता है जो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है. यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो वंस थाउजेंड्स और मिलियन में काउंट होते हैं. मिलियन उसके बाद बिलियन. तो हम नंबर देखेंगे अपना. फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 735821. इसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करना शुरू करेंगे. 1, 2, 8, 5, 3, 7. हमें मालूम है कि हमारा जो नंबर है लास्ट जा रहा है 100,000 तक. तो जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें जो कॉमा यूज़ होता है वो 3-3 के गैप से होता है. एक कॉमा हमारा वंस में होता है, और अगर 1,000 से आगे हमारा नंबर अगर जा रहा होता है तो एक कॉमा यहाँ लगता. अभी यहाँ पर कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है. तो इसका अगर हम कॉमा लगाएंगे तो 735,821 ये रहेगा. इसके अलावा अगर हम इसका इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमेरल लिखना चाहें तो ये हमारा हो गया, क्योंकि ये लास्ट 100,000 पे हो रहा है. तो 735,821. एक और कोई नंबर देख लेते हैं इसमें. चलिए फिफ्थ देख लेते हैं. यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखा है वो 8935,00,64. इसको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट करेंगे. 4600,53,98. ये हम देख रहे हैं हमारा 10 मिलियन तक चला गया है नंबर. हमारा किस ब्लॉक तक गया है, 10 मिलियन वाले ब्लॉक तक. तो सबसे पहले हम अगर इसका कॉमा देखें तो यहाँ पे एक वंस पे लग जाएगा, उसके बाद एक 100,000 पे लग जाएगा. तो जो नंबर कॉमा के साथ आएगा वो आएगा हमारा 89,350,064. अब इसका अगर हम न्यूमेरल लिखें तो 89,350,064. ठीक है. इसके अलावा अब हमारा क्वेश्चन 19 जो लास्ट है वो देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 इज सेइंग राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करके हमें क्या करना है, फिगर्स में लिखना है इनको. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. ये कह रहा है 30,105,063. तो 30 मिलियन हमें मालूम, 30 जो होता है वो 30 हमारा 10,000 तक आएगा या 10 मिलियन तक आएगा. तो देखिए 30 मिलियन, तो हमें 10 मिलियन का ये वाला कॉलम है. तो 30,105,105 इस तरह से लिखते हैं. 1,063, तो 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं दे रखा है, इसको ज़ीरो कर देंगे. 63 ये हमारा फिगर में नंबर लिख दिया हमने, 30,105,063. अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक और सॉल्व कर लेते हैं. थर्ड 5,005,005. तो देखिए 5 जो हमारा सिर्फ वंस प्लेस पे आता है, क्योंकि मिलियन बोल रखा है तो मिलियन वाले कॉलम में हम वंस प्लेस पे लिखेंगे 5,005,000. तो 1,000 हमारा यहाँ है, 5,005.
बाकी सारे कॉलम हमारे ज़ीरो रहते हैं तो इनको हम ज़ीरो कर देंगे। हमारे जो डिजिट्स रहेंगे वो इनको हम लिख लेंगे, नंबर लिखेंगे इनके 30,105,063। तो जो थर्ड वाला है वो कुछ इस तरह से होगा 5,005,005। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ये सारा वर्क आप फिर कॉपी में कर लें। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।